नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 3 नए आपराधिक कानून पर यह बड़ी खबर है। कानून पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जी हां, यह एक जनहित याचिका है जो कि अंजलि पटेल और छाया शर्मा की ओर से दायर की गई है। इस याचिका में यह मांग की गई है कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो कि इन 3 नए क्रिमिनल कानूनों का आकलन करे, अध्ययन करे और उसके बाद जो है रिपोर्ट सौंपी जाए और तब तक इन कानूनों के अमल पर रोक लगाई जाए। यह पूरी तरीके से मांग इस याचिका में की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला पहुंच चुका है। 3 दिन बाद इन कानूनों को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले किस तरीके से एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने की बात और तीनों कानूनों के व्यावहारिक पहलुओं का अध्ययन करने की बात जो है इस याचिका में कही गई है। तो कहीं ना कहीं याचिका को लेकर ही अब कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 1 जुलाई से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने हैं। उससे ठीक पहले दरअसल अंजलि पटेल और छाया मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर कर दी है और बता दें कि कांग्रेस भी कुछ ऐसी ही मांग लगातार करती रही है इन 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर। और कांग्रेस की भी ये मांग रही है कि 3 नए आपराधिक कानूनों का जो क्रियान्वयन है वो टाला जाए, यानी इन्हें अमल में ना लाया जाए, ताकि इन तीनों कानूनों की गृह मामलों से जुड़ी संसद की पुनर्गठित स्थायी समिति द्वारा गहन समीक्षा की जाए। ये कांग्रेस की डिमांड थी। और सवाल ये है कि क्या ये जनहित याचिका जो है वो उसी कड़ी में दायर की गई है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि संसद ने पिछले साल शीतकालीन सत्र में इन 3 विधेयकों पर चर्चा की थी और इन्हें पारित किया था। लोकसभा के कुल 37 सदस्य और राज्यसभा के 40 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया था। पिछले साल पारित ये नए कानून ब्रिटिश काल के से चले आ रहे हैं। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान अब ये 3 कानून लेने वाले हैं, जो 3 नए कानून बने हैं और 1 जुलाई 2024 से इन्हें लागू करने की तैयारी है। हर एक राज्य में तमाम जो पुलिस प्रशासन का महकमा है उन्हें बाकायदा इन कानूनों को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि बहुत कुछ आईपीसी और सीआरपीसी जैसी जो कहीं ना कहीं धाराएं हैं वो अब पूरी तरीके से खत्म होने वाली हैं और काफी कुछ अगर कहें जो है बदलाव एक तरीके से होने वाला है इन नए क्रिमिनल कानूनों के लागू होने के बाद। 1 जुलाई से जो 3 नए कानून लागू हो रहे हैं, ये कानून जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेजों के जमाने से ये चले आ रहे हैं और अब इनमें बड़े बदलाव की तैयारी सरकार ने कर ली है। और भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये तीनों कानून 1 जुलाई से प्रभावी होने जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पर जो बड़े बदलाव किए गए हैं इसमें एक बड़ा बदलाव है 0 FIR का। दूसरा, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन और सभी जघन्य अपराधों के अपराध दृश्यों की जरूरी वीडियोग्राफी इन 3 नए कानूनों की प्रमुख बातें हैं जो 1 जुलाई से लागू होंगे। आधिकारिक सूत्रों की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें जैसा कि मैंने पूरी जानकारी दी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम दरअसल ये 3 कानून हैं जिन्हें लागू किया जाएगा और मकसद जो है वो भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने का है इस कदम के जरिए। और इसका उद्देश्य सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और प्रभावी न्याय प्रणाली सुनिश्चित करना है। ये सरकार की ओर से भी बार बार कहा गया है और कहा यह गया है कि पिछले साल पारित ये नए कानून ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं, लेकिन अब इन्हें पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। नए कानून के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा और पुलिस द्वारा
त्वरित कार्रवाई यानी तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। जीरो एफआईआर से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई दरअसल अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो जरूरी नहीं कि जिस एरिया में वो घटना हुई है उसी एरिया का पुलिस स्टेशन हो, वो किसी भी पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज करा सकता है, चाहे अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में हुआ हो या ना हुआ हो। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और अपराध की शिकायत तुरंत दर्ज की जा सकेगी। नए कानूनों के तहत पीड़ितों को एफआईआर की एक निःशुल्क जो कॉपी है वो दी जाएगी, जिससे कानूनी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो ये तमाम चीजें हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम सवाल जो हैं वो विपक्ष की ओर से उठाए गए। विपक्ष ने खूब हंगामा इस दौरान किया था जब ये विधेयक जो है सदन में लाए गए थे, केंद्रीय गृह मंत्री ने जब इस पर बोला था तो तमाम कहीं ना कहीं हंगामा जो है देखने को मिला था। लेकिन कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि पहले इन कानूनों का अध्ययन होना चाहिए और जब तक अध्ययन हो, जब तक कमेटी जिसकी मांग की गई है कि उस कमेटी का गठन किया जाए वो रिपोर्ट ना दे दे, तब तक इन कानूनों को लागू ही नहीं किया जाना चाहिए, ये अमल में आने ही नहीं चाहिए। ये मांग कुल मिलाकर इस याचिका में की गई है। तो देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरी याचिका को लेकर क्या सुनवाई करती है, इस याचिका पर क्या कहीं ना कहीं डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि फिलहाल जो है इन तीन नए कानूनों को लागू करने की तैयारी देश में हो रही है। ये तीन बड़े नए क्रिमिनल लॉ है जिसको लागू करने की तैयारी इस तरह से चल रही है कि उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और तमाम अलग अलग स्टेट में जो भी पुलिस महकमा है उसमें बाकायदा जो है पुलिस कर्मियों को लंबे वक्त से ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि जो भी बदलाव कहीं ना कहीं जिस तरीके से किए जा रहे कि किस उद्देश्य से नए तीनों कानून लाए गए हैं और उसके पीछे उत्तर प्रदेश ने कितना कार्य कर चुके हैं। सुनील गुप्ता साहब ने मैं इनका खासकर धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि स्वयं आप सबको जो उन्होंने आपके समक्ष तीनों कानूनों के बारे में बताया है, स्वतः आपको इससे साबित हो गया होगा कि हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत सफल हो गए होंगे। बिकॉज आई थिंक दे हैव ट्राइड टू रीच आउट, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू टीच यू। सिमिलरली हमने अपने जितने भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहे हैं उतने ही विस्तार से हमने उसमें कोशिश की है पहुंचने की। पर सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूंगी कि किसी भी बदलाव में, व्हेनेवर यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज, उसके पीछे एक बहुत यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत कर्मठा चेंज लाने की शक्ति आप में होनी चाहिए, सुनने की शक्ति होनी चाहिए, और उसके लिए जो हमारा प्रयास है वो बहुत अहम और उसकी भूमिका बहुत रहती है। और ये जो हमारे जहन में बैठा हुआ था, आई मीन राइट फ्रॉम द ब्रिटिश एरा और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जिसके लिए लड़े, जिन कानूनों के तहत वो जेल में गए और वो फिर भी चलता रहा इतने सालों के बाद, तो अब जो बदलाव आया है अवश्य ही ये कहना कि एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जहां तक कानून की बात है। पर वहीं दूसरे स्तर हमको ये भी याद रखना है कि ये कहीं ना कहीं पुराना जो कानून है वो हमारे जहन शरीर मन सब में बैठा हुआ है। मूवीज तक 420 पिक्चर, हम अगर चोरी की धारा आती है तो 379, अगर आपकी हत्या की धारा आती है तो 302। तो मेरा ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती, प्रशिक्षण हमारे लिए अंडर द ट्रेनिंग डायरेक्टरेट ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम अनलर्न कैसे करें। लर्न कराना आसान होता है, किसी को नई चीज सिखाना फिर भी कठिन नहीं होता है, पर किसी को उसको अनलर्न करना और उसको फिर सिखाना, आई थिंक दैट इज अ बिग चैलेंज। और वो भी उन लोगों के साथ जिनकी आयु इस उम्र में हो जाती है जहां वो नई चीज नहीं सीखना चाहते, अनलर्न करना तो बहुत ही कठिन था। तो ये अपने सामने ये उद्देश्य रखते हुए हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया, ये डीजी महोदय के अंडर हिम, आपके यहाँ प्रोसिक्यूशन के हमारे साथी बैठे हैं, टेक्निकल एंड ऑफ कोर्स ट्रेनिंग विंग, वी ऑल हैव वर्क्ड वेरी हार्ड राइट फ्रॉम द टाइम दिस लॉ वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट। एंड इसके सामने पहले रोड मैप रखा गया और रोड मैप के तहत
हमने पहले अध्ययन किया जो हमारे सामने जो नए कानून आए हैं, और उसके बेसिस पर आज हमारे यहाँ प्रोसिक्यूटर्स भी आपके सामने बैठे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, जो लखनऊ में यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लॉ प्रोफेसर्स को बुलाया, और लॉ प्रोफेसर्स को यहाँ ही बैठकर हमने आईपीएस ऑफिसर्स को और पीपीएस ऑफिसर्स को इसी बिल्डिंग में उनके माध्यम से पढ़ाया। सो दैट वॉज द बिगनिंग ऑफ आर इंस्ट्रक्शंस टू द आईपीएस एंड द पीपीएस ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, इन विच वी ट्रेन्ड 424 आईपीएस ऑफिसर्स एंड 1016 पीपीएस ऑफिसर्स। वो हमारी बिगनिंग थी। उसके बाद वी रीच टू आर ट्रेनिंग अकेडमीज, जहाँ एक ओर हमें उनको सिखाना था, प्रशिक्षण देना था, वहीं दूसरी ओर बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम ट्रेनिंग मटेरियल भी तैयार करें। और ट्रेनिंग मटेरियल्स आज आपके सामने जो रखा है बुकलेट्स की फॉर्म में, जहाँ पुराने और नए कानून को उसका तुलना की गई है, साथ ही साथ पैम्फलेट्स बनाए गए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने 29 यहाँ हमारे प्रोसिक्यूटर्स बैठे हैं अन्य सभी अकेडमीज में, दे हैड नो आइडिया हाउ टू मेक अ वीडियो, बट आज की तारीख में हमने 29 वीडियोज हिंदी भाषा में 10-10 मिनट के सभी तीनों कानूनों पर आज की तारीख में दे आर अपलोडेड ऑन टू आर लर्निंग सिस्टम, एज वेल एज कल आपकी यूपी पुलिस की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी अपलोड हो गए। तो ये हमने केवल अपने स्टेट के ऑफिसर्स तक ही नहीं शेयर किया, हमने ये बीपीआरएनडी को भी दिया है कि जो हिंदी भाषी स्टेट है वो भी उसको उपयोग में ला सके। सो 29 वीडियोस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, कोई छोटी चीज नहीं होती। 29 वीडियोस 10-10 मिनट के, एंड एज फार एज द इंफॉर्मेशन गोज आई विल से दे आर टॉप क्लास वीडियोस। इसके अलावा हमने जो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स थे उस समय, वी हैड सब इंस्पेक्टर्स 8641 पासिंग आउट परेड से पहले, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद रहे और उन्होंने इन तीन कानूनों की अहमियत के बारे में वहाँ अपने वक्तव्य में अपनी बात कही। वहाँ पर हमने इन प्रशिक्षुओं को भी कम से कम 14-14 दिन की ट्रेनिंग दी, और साथ ही साथ उनका एग्जाम भी लिया, और जिन्होंने अच्छा किया उनको साथ ही साथ उनको उसके हिसाब से पुरस्कृत किया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू कि आज की तारीख में हमने 5,011 इंस्पेक्टर्स नागरिक पुलिस को ट्रेन कर दिया है, थाना प्रभारी 1584, आप 31,390 लगभग 3200 सब इंस्पेक्टर्स नागरिक पुलिस ट्रेन हो चुके हैं। थाने का स्टाफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो प्रधान लेखक और लेखक के रूप में रहते हैं, वो भी 7,532 हम लोग ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। और इसके अलावा मास्टर ट्रेनर्स कौन ट्रेन करेगा, सो यू हैव टू ट्रेन एंड मेक द मास्टर ट्रेनर्स स्वयं अपने आप, और साथ ही साथ बीपीआरएनडी के माध्यम से हम लोगों ने 600 मास्टर ट्रेनर्स बनाए हैं जो आज की तारीख में ट्रेनिंग दे रहे हैं। और प्रेजेंट में हर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस लाइन में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग चल रही है, और हम समझते हैं कि जो हमारे 2.5 लाख यहाँ की यूपी पुलिस फोर्स है, 30 जून तक हम 90-95% तक उनको ट्रेन कर चुकेंगे। तो एक ओर तो हमारा ये ट्रेनिंग रहा, दूसरी ओर जैसे मैंने कहा पैम्फलेट्स बनाना, बुकलेट्स बनाना, 40,000 बुकलेट्स, ईच बुकलेट हैज रीच्ड अ पुलिस स्टेशन मे बी टिल ईच थाना इंस्पेक्टर और अ सब इंस्पेक्टर। इसके अलावा पोस्टर, जिससे हम पब्लिक तक पहुंच सके, और ये हर थाने तक हमारी कोशिश है कि हमारे पोस्टर लगे, जिसको ट्वीट और रीट्वीट हमारे यहाँ पर पुलिस मुख्यालय के माध्यम से किया जा रहा है। फिर चाहे वो 0 FIR की बात हो, फिर चाहे वो डिजिटल तरीके से समन भेजना हो, फिर चाहे वो FIR दर्ज करनी हो जो है ऑनलाइन तरीके से, ये तमाम चीजें हैं जो अमल में लाने के लिए जाहिर तौर पर एक तैयारी चाहिए, और इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस महकमे की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो कुल मिलाकर उस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी समेत कई लोग ऐसे हैं जो भड़के हुए हैं, और इस तरीके से अब उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में रुख किया गया है। लेकिन देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की कब सुनवाई करता है, और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिलती है, क्या याचिका को एक्सेप्ट किया भी जाता है या नहीं, ये सबसे पहली बात होगी, क्योंकि ये एक जनहित याचिका है जो दायर की गई है, जिसमें ये
मांग की गई है कि इन तीन नए क्रिमिनल लॉ जो हैं इस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए और इन लॉ को अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, एक एक्सपर्ट कमेटी जो इनके पहलुओं को देखे, उनका अध्ययन करे और उसके बाद ही इन पर लागू करने का विचार किया जाए। ये मांग इस याचिका में की गई है। देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में आगे जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।